हेलो दोस्तों, हम हिंद करंट अफेयर में 100 क्वेश्चन तक कर चुके हैं। आज हम इससे आगे करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के दुबई में आयोजित COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान किस नाम से ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? ये किस नाम से किया है? लीड आईटी 2.0। तो हमारा आंसर हो गया डी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 95वां महासदस्य कौन बना है? अर्थात 95वां सदस्य कौन बना है? ये कौन बना है? चिल्ली। तो हमारा आंसर हो गया ए। हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धकता रैंकिंग WDCR 2023 में भारत 64 अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर है? ये किस स्थान पर है? 49 में। ये यहाँ पे रैंक दी जाती है कि कौन सी रैंक है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया है? किस वर्ष तक के लिए? 2028 तक। तो हमारा आंसर हो गया डी। ICC ODI विश्व कप 2023 के दौरान टाइम आउट होने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? कौन बने हैं? ये एंजेलो मैथ्यूज, जो कहाँ के हैं? श्रीलंका के। तो हमारा आंसर हो गया ए। रांची में आयोजित महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? ये महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी किसने जीती है? भारत ने। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाल ही में IIT मद्रास ने पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किस देश में किया है? किस देश में किया है? ये तंजानिया। तो हमारा आंसर हो गया सी। भारत में नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? ये हीरालाल समारिया, सूचना आयुक्त हीरालाल समारिया। तो हमारा आंसर हो गया डी। किस भारतीय राज्य के जल जीवन हरियाली मिशन को दुबई में 28वां जलवायु शिखर सम्मेलन COP28 के दौरान सम्मिलित किया गया है? किसे सम्मिलित किया गया है? बिहार। COP28 में किसे सम्मिलित किया गया? बिहार। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने किस देश में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है? किस देश में घोषणा की है? ये की है ये अबू धाबी में। तो हमारा आंसर हो गया बी। हरियाणा ने किसे हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? इसे हरा के राजस्थान को, इसमें हरियाणा पहले रैंक पर रहा है। हाल ही में PM मोदी ने किस रूट पर चलने वाली भारत का पहला रैपिड रेल का अनावरण किया है? ये क्या है? दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ। तो हमारा आंसर हो गया ए, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये कौन बनी? हमारी अक्षता कृष्णा मूर्ति। तो हमारा आंसर हो गया सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर किस नाम से खुद के लिए गरबा गीत जारी किया है? ये माडी। तो हमारा आंसर हो गया सी। केंद्र सरकार ने चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में अधिसूचित किया है? ये 23 अगस्त। तो हमारा आंसर हो गया ए। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 128 साल बाद आगामी किस ओलंपिक में क्रिकेट को पुनः सम्मिलित किया है? 2028 ओलंपिक। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने किस भारतीय शहर को लगातार तीसरे वर्ष सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया है? ये हो गया कोलकाता। तो इसका आंसर हो गया डी। हाल ही में किस विषय के साथ नई दिल्ली के यशो भूमि में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसदीय, इसकी क्या थी? G20 की थीम एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य के लिए संसदीय, कहाँ से लिया गया था? उपनिषद से। वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के तहत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के किस उद्यम को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है? ये दिया है इरकोन इंटरनेशनल लिमिटेड, राइट्स लिमिटेड, रेल निगम, रेल विकास निगम लिमिटेड। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर डी। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का 125 देशों में किस स्थान पर रखा गया है? ये किस स्थान पर रखा गया है? 111वें स्थान पर। तो इसका आंसर हो गया डी। भारत सरकार ने इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ने के लिए बाद इजराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस नाम से एक ऑपरेशन लॉन्च किया है? ये किस नाम से ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन अजय। तो आंसर हो गया इसका सी। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? ये कौन है? कैप्टन गीतिका कोल। तो हमारा आंसर हो गया ए, कैप्टन गीतिका कोल। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ है कंपाला युगांडा। तो आंसर हो गया इसका बी। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है? ये किसे किया है? समीर शाह। तो हमारा आंसर हो गया बी। BWF विश्व रैंकिंग में दुनिया में नंबर 1 स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन जोड़ी कौन बनी है? ये कौन बनी है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी। तो हमारा आंसर हो गया सी। हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में भारत में ओलंपिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता हुआ है? ये रिलायंस फाउंडेशन। तो हमारा आंसर हो गया ए, रिलायंस फाउंडेशन। 19वें एशियन गेम्स के क्लोसिंग सेरेमनी में भारतीय ध्वज वाहक कौन बने हैं? कौन बने हैं? ये PR श्रीजेश, PR श्रीजेश एशियन गेम्स में PR श्रीजेश। तो आंसर हो गया बी। 8 अक्टूबर 2023 को भारतीय वायुसेना ने अपने 91वें वर्षगांठ पर वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और अपने नए ध्वज का अनावरण कहाँ किया है? ये कहाँ किया है? प्रयागराज। तो हमारा आंसर हो गया बी।
चीन के होंगजाऊ में संपन्न हुए 19वें एशियन गेम 2023 में भारत ने पहली बार 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज समेत कुल 107 पदक जीतकर किस स्थान पर रहे हैं? ये किस स्थान पर रहे हैं? चौथे स्थान पर। तो हमारा आंसर हो गया ए, फिलीपींस के बाद। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से बाहर निकाला गया है? तो इसका आंसर हो गया हमारा इटली। तो आंसर हो गया डी। भारत ने किस सफलता के में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतकर पहली बार एशियन गेम्स में अपना 100वां मेडल और 25वां गोल्ड मेडल जीता है? इसका आंसर हो गया हमारा महिला कबड्डी सी। हाल ही में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के तहत सरकारी स्कूलों के छात्रों को नाश्ता उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है तेलंगाना। तो आंसर हो गया सी। हाल ही में किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को भौगोलिक संकेत अर्थात GI टैग किसे मिला है? ये मिला है मेघालय। तो आंसर हो गया बी। किस देश की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को महिलाओं के दमन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये ईरान। तो इसका आंसर हो गया डी। हाल ही में अनुमुला रेवंत रेड्डी ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तेलंगाना। तो आंसर हो गया ए। हाल ही में फिनलैंड की कंपनी नोकिया ने भारत में पहली 6G प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की है? ये की है बेंगलुरु। किस देश के लेखक जॉन फांसे को उनके नाटकों और गद्य के लिए साहित्य 2023 का नोबल दिया गया है? इसका आंसर हो गया हमारा नॉर्वे। ये हिंदी साहित्य के लिए काफी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हिंदी साहित्य का है, नॉर्वे। गूगल ने किस नाम से अपना सबसे बड़ा और सबसे अधिक क्षमता वाला AI मॉडल लॉन्च किया है? ये किसने किया है? जेमिनी। गूगल ने जेमिनी। टाइम्स मैगजीन ने 2023 का पर्सनल ऑफ द ईयर किसे चुना है? ये टेलर स्विफ्ट। तो इसका आंसर हो गया डी। हाल ही में शेष भारत ने किसे हराकर ईरानी कप 2023 का खिताब जीता है? किसे हराकर? सौराष्ट्र अर्थात गुजरात। COVID-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए इस वर्ष का मेडिसिन का नोबल किसे दिया गया? मेडिसिन का नोबल किसे दिया गया है? ये कैटलिन कारिको और डू विस्मैन। तो ये इन दोनों को दिया गया है। तो हमारा आंसर हो गया डी, कैटलिन कारिको और डू विस्मैन कहाँ के हैं? अमेरिका के। केंद्र सरकार ने पुरानी संसद भवन का नया नाम क्या रखा है? संविधान संसद। तो हमारा आंसर हो गया ए। नीति आयोग द्वारा जारी अक्टूबर माह के आकांक्षी जिला प्रोग्राम की डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किस जिले को मिला है? किस जिले को मिला है? उड़ीसा के रायगढ़। तो आंसर हो गया डी। दुबई में COP28 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? भारत को रखा गया 7वें स्थान पर। हाल ही में 14वां वर्ल्ड स्पाइस मसाला कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नवी मुंबई में। नए संसद भवन में पहला और ऐतिहासिक स्तर किस तिथि को शुरू हुआ? ये हुआ 19 सितंबर 2023। आंसर हो गया इसका सी, 19 सितंबर 2023। किस भारतीय स्थल को यूनेस्को वर्ष 2023 के अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? शांतिनिकेतन होयसल मंदिर इन सभी को शामिल किया गया है। एशिया कप क्रिकेट 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एशिया कप का भारत ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के द्वारका में किस नाम से एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन हॉल राष्ट्र को समर्पित किया है? ये किया है यशो भूमि। तो हमारा आंसर हो गया डी। हाल ही में भारतीय सेना की स्पेशल पैरा कमांडो में शामिल होने वाली पहली महिला सर्जन कौन है? ये है पायल छाबड़ा। तो हमारा आंसर हो गया बी। टाइम्स मैगजीन ने किस भारतीय अभिनेता को प्रतिष्ठित टाइम्स 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2023 के लिए चुना है? आयुष्मान खुराना। तो आंसर हो गया सी। मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बने लाल दुहोना का संबंध किस पार्टी से है? जोराम पीपुल्स और मूवमेंट। तो आंसर हो गया सी। केंद्र सरकार ने सितंबर 2023 में ईडी के नए निदेशक किसे नियुक्त किया है? राहुल नवीन। तो आंसर होगा डी। हाल ही में किस भारतवंशी अर्थशास्त्री सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने हैं? ये थर्मन सनमुग रत्नम। तो आंसर हो गया बी। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आंध्र प्रदेश में अपनी तरह के पहले भवन संगीत समारोह कृष्ण वेणी संगीता निर्जनम का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किया है विजयवाड़ा में। हाल ही में राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट नामक देश का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट का लोकार्पण कहाँ किया गया? ये किया गया कोटा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन और डिजिटल हाउस परियोजना का शुभारंभ किया है? गुजरात। तमिलनाडु के किस मंदिर को भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया तट मंदिर मामल्लपुरम। आंसर हो गया इसका बी। हाल ही में सचिन तेंदुलकर की 14 फुट की आदमकद कांस्य प्रतिमा कहाँ लगाई गई है? ये लगाई गई है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। तो इसका आंसर हो गया सी। अगले वर्ष 2024 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन की मेजबान देश कौन बना है? ये बना है बाकू अजरबैजान। तो आंसर हो गया इसका ए। हाल ही में किस
एयरलाइंस ने मेहमानों को हवाई अड्डे का बेहतर अनुभव देने के लिए प्रोजेक्ट अभिनंदन शुरू किया है। ये किसने शुरू किया है? एयर इंडिया। तो आंसर हो गया बी। चीन के हांगझोउ के में 19वें एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? ये थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना। ये आंसर हो गया इसका डी, हरमनप्रीत और लवलीना। यूएसए ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये नोवाक जोकोविच। ये कहाँ के हैं? सर्बिया। तो हमारा आंसर हो गया इसका बी। थार में G20 शिखर सम्मेलन 2023 का मुख्य आयोजन नई दिल्ली के किस कन्वेंशन हॉल में किया गया? भारत मंडपम। तो इसका आंसर हो गया डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले साल 2024 में होने वाले 19वें G20 सम्मेलन की मेजबानी किस देश को सौंपी है? ये सौंपी है ब्राजील। तो आंसर हो गया इसका बी। भारत की पहल पर किसे सम्मिलित देश संस्थान को G20 का नया स्थायी सदस्य बनाया गया है? ये अफ्रीकन यूनियन AU को। तो आंसर हो गया इसका सी। हाल ही में भारत ने कितने देशों के साथ मिलकर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किया है? ये 8 देशों के साथ। तो आंसर हो गया इसका ए। नई दिल्ली में 18वें G20 सम्मेलन के दौरान इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिकल कॉरिडोर लॉन्च हुआ। इस प्रोजेक्ट में शामिल देश कौन से हैं? ये भारत, UAE, सऊदी अरब, यूरोप यूनियन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, अमरीका। तो ये उपरोक्त सभी देश। इसमें आंसर हो गया डी। किस राष्ट्रीयकृत बैंक ने नेशनल फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया है? ये किसने किया है? SBI। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में किस शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इंदौर। 43वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? ये हुआ जकार्ता, इंडोनेशिया। हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को राज्य दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? ये पश्चिम बंगाल। डेबिट या क्रेडिट कार्ड के बिना किस पेमेंट कंपनी ने भारत का पहला व्हाइट लेबल UPI ATM लॉन्च किया है? हिताची पेमेंट सर्विसेज। हाल ही में RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने किस नाम से बोलकर पेमेंट करने वाला UPI सिस्टम लॉन्च किया है? हेलो UPI। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में भारत का पहला सोलर सिटी का लोकार्पण किया है? ये सांची। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग में ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम से सम्मानित किया गया है? ये विजयवाड़ा। तो आंसर हो गया बी, विजयवाड़ा। अमेरिका राज्य केंटकी के लुइसविले शहर ने किस तिथि को प्रत्येक वर्ष सनातन धर्म दिवस मनाने की घोषणा की है? 3 सितंबर। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है? R.R. Madhavan। तो आंसर हो गया बी। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने देश का सबसे बड़ा खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? भुवनेश्वर। हाल ही में अमेरिका पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में किसे शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा देकर सम्मानित किया है? शक्तिकांत दास। किस प्रख्याल लेखिका ने उनके सम्मान यादे के लिए 2023 का व्यास सम्मान दिया गया है? यादे किसका? ये पुष्पा भारती की रचना कौन सी है? सम्मान यादे और यादे, इसे इस पर क्या मिला? व्यास सम्मान। हाल ही में केंद्र सरकार ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने हेतु किसकी अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन पर एक समिति का गठन किया है? रामनाथ कोविंद। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO कौन बनी है? ये कौन बनी है? जया वर्मा सिन्हा। हाल ही में किस अमरीकी राज्य ने अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया है? ये जॉर्जिया। किस प्रख्यात भारतीय ऑनकोलॉजिस्ट को 65वें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे किया गया है? डॉक्टर रवि कन्ननन। तो आंसर हो गया हमारा ए। भारत के किस पहले स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा संयंत्र ने पूरी क्षमता से परिचालन शुरू कर दिया है? ये हो गया काकरापार, गुजरात। तो आंसर हो गया इसका बी। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम PSU को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है? ओयल इंडियन लिमिटेड। तो आंसर हो गया इसका बी, महारत्न कंपनी का। 69वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? ये मिला है रॉकेट्री। तो आंसर हो गया डी, रॉकेट्री। फाइड विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है मैग्नस कार्लसन। तो आंसर हो गया इसका बी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने द ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? ये किया है ग्रीस। तो आंसर हो गया इसका ए। चुनाव आयोग ने हाल ही में किस क्रिकेटर को नेशनल आइकॉन के रूप में नामित किया है? ये किया सचिन तेंदुलकर। तो आंसर हो गया इसका बी। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किसे लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी।
किस अमेरिकी सेमी कंडक्टर कंपनी ने गुजरात के सांत में भारत का पहला सेमी कंडक्टर प्लांट लगाया है? माइक्रोन तो आंसर होगा इसका सी। भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है बेंगलुरु। विश्वनाथन आनंद को पछाड़ कर कौन भारत के नंबर वन शतरंज खिलाड़ी बने हैं? शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? आर परगनंद आनंद, तो आंसर होगा डी। हाल ही में क्वाड सदस्य देश अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया को नौ सैनिक मालाबार युद्ध अभ्यास 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में WHO ने पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया है? ये गांधीनगर, गुजरात। हाल ही में किस नाम से भारत निर्मित पहली लंबी दूरी की मारक क्षमता 50 मीटर वाली रिवॉल्वर लॉन्च की गई है? ये की गई है प्रबल, तो आंसर होगा इसका बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत निर्मित किस नाम से छठे नौसैन्य युद्ध पोत का जल आवरण किया है? ये होगा INS विंध्यगिरी।